बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले के बढ़रिया का हिंसक झड़प का मुद्दा अब पूर्ण रूप से शांत हो गया है, लेकिन यह मुद्दा अब धीरे धीरे पूरे देश में भी फैल चुका है। मुद्दा है रिजवान की गिरफ्तारी का। आज ट्विटर पर हैशटैग रिलीज रिजवान ट्रेंड भी किया गया था। अब राजनीति पार्टियां के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर रस्सी से क्यों बांधा गया। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट ऐसी डाली है कि खलबली मच गया। उन्होंने लिखा कि नीतीश जी, बिहार में सत्ता से भाजपा बाहर हो गई है, पर प्रशासन में उसकी मानसिकता हावी है। 8 साल के बच्चे रिजवान को रस्सियों में बांधकर गिरफ्तार करना संघी सोच का परिचायक है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करें, अन्यथा ताज आपका होगा, जुल्म भाजपा करती रहेगी। इस पोस्ट के जरिए पप्पू यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले ने इस घटना के खिलाफ 12 सितंबर को जिले में मोर्चा निकालने की बात कही है। वहीं भाकपा माले ने डीएम और एसपी को सिवान से तत्काल हटाने का भी मांग कर दिया है। वहीं बात की जाए तो हैदराबाद के सांसद ओवैसी लगातार बढ़रिया हिंसक झड़प पर ट्वीट कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक ट्वीट कर लालू यादव को लपेटे में लिया है और लिखा है कि 8 साल के रिजवान और 70 साल के यासीन कैद है। लालू प्रसाद यादव ने 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस भेजा था। इस एहसान को चुकाने भला मुसलमानों को कितने नस्लों की कुर्बानी देनी होगी। लालू के लाल एहसान जताते जताते मंत्री बन गए, लेकिन हमारे बच्चे और बुजुर्ग। वहीं बताते चलूं कि ओवैसी का ट्वीट लगातार बढ़रिया के मुद्दे पर आ रहा है। आज एडीएम ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिजवान 8 साल का नहीं बल्कि 13 साल से ज्यादा का है, लेकिन एडीएम साहब ये नहीं जानते कि प्रशासन से ज्यादा उनकी अम्मी जानती है कि उनके बच्चे का उम्र कितना है। वहीं रिजवान कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक रिजवान की उम्र 8 साल बताई जा रही है।